हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास एलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। एलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है। अब उसके हम कुछ एलजेब्रा जो कि उसके जो बीजगणित जो होती है उसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें पहला जो होता है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। यानी कि एक डिवाइडेड डिफरेंस है कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होकर फंक्शन का, कॉन्स्टेंट और फंक्शन का डिवाइडेड डिफरेंस है वो होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट। सेकेंड प्रूव करेंगे हमें द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी टू फंक्शन। कोई भी दो फंक्शन होंगे उनका हम जो सम होगा उसका डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर इंडिविजुअल डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि जो अलग अलग से जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा इसका, ये हो गया। और थर्ड जो हम प्रूव करेंगे वो है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द लीनियर सम, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द लीनियर सम ऑफ टू फंक्शन इज अ लीनियर सम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। यानी कि हमें इस तरह के फंक्शन है वो हमें डिवाइडेड इससे प्रूव करना है कि वो सी वन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स, ये प्रूव करना है। अब फिर से हम इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं। प्रूव फर्स्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड अ फंक्शन। यानी कि हमारे पास फंक्शन है और कॉन्स्टेंट है उसका प्रोडक्ट है, ये है हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास डेल सी डॉट एफ एक्स इक्वल टू सी डेल, इस डिवाइडेड डिफरेंस को हम डेल ही बोल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, डेल एफ एक्स ये है हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो बाई एल एच एस हम एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस क्या है, डेल डॉट सी एफ एक्स ये है फ्रेंड्स। हमने हमें इस सी डॉट एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, इसको हम इसको मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर सी एफ एक्स, ये मान लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्स की कोई हमें कोई दो वैल्यू लेंगे हमें यहाँ पे ले एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, ये दो वैल्यू है हमारे पास, वहाँ पे हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे एफ ए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है सी स्मॉल एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी और ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस सी डॉट एफ एक्स अपॉन बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली सी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब जब फ्रेंड्स ये आ गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। अब हम आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस क्या हमारे पास सी डॉट डेल एफ एक्स, या डेल एफ एक्स क्या होता है हमारे पास फ्रेंड, डेल एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, ये एफ ए एफ बी माइनस एफ ए पॉइंट वही है बी माइनस ए, और अगर हम सी का मल्टीप्लाई कर दें तो सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी, सी का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स एफ ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एफ ए है बी है एफ ए है, तो एफ बी एफ ए ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन नंबर टू, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड टू दोनों इक्वल हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स क्या है डिवाइडेड सी एफ एक्स, तो इसको कह सकते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस सी एफ एक्स इक्वल टू सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। अब फ्रेंड्स हम सेकंड थ्योरम प्रूव करते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था दैट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी टू फंक्शन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर इंडिविजुअल डिवाइडेड डिफरेंस। इसका मतलब है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस जी एक्स, ये प्रूव करना है। तो सॉल्व सॉल्व करते हैं इसको, तो बाई एल एच एस
हमने LHS ले लिया, डेल डिवाइडेड डिफरेंस FX प्लस GX, ये लेट हमने यहाँ पे मान लिया FX प्लस GX इक्वल टू कैपिटल FX जो पहले माना था उसी तरह हमने ये मान लिया है। अब फ्रेंड्स कैपिटल FX मान लिया तो इसका डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, और कोई दो पॉइंट मान लिए लेट एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी एनी टू पॉइंट, टू पॉइंट, और यहाँ ए इक्वल नॉट बी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ए इक्वल बी हो जाएगा तो डिवाइडेड डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा डेल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ FX बराबर कैपिटल एफ ए, कैपिटल एफ ए माइनस, सॉरी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स FX बराबर ये है तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं एफ बी बराबर इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं उसको एफ ए माइनस, सॉरी एफ ए प्लस जी ए, ये लिख सक एफ बी बराबर लिख रहे हैं हम, एफ बी बराबर तो एफ बी माइनस जी बी ये लिख सकते हैं, एंड एफ ए बराबर लिख सकते हैं इसको एफ ए प्लस जी ए। अब फ्रेंड्स ये दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस जी बी, अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें रखनी है यहाँ पे माइनस एफ ए की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, लेकिन एफ ए प्लस जी ए बार माइनस का मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस जी ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू, इसको हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए ये लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स है ये फ्रेंड्स हमारे पास, ये फ्रेंड्स डिवाइडेड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नहीं, इसको ए बोल देंगे, ए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए, और ये क्या है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए स्मॉल एफ ए प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी ए, तो हमने प्रूव कर दिया फ्रेंड्स डेल एफ ए कैपिटल डेल एफ ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस डेल जी ए। अब यहाँ पे यही हो गया, तो डेल एफ ए बराबर क्या है हमारे पास, एफ ए बराबर क्या था हमारे पास, एफ ए बराबर था अपने पास इसके अकॉर्डिंग एफ ए बराबर ये हो जाएगा जी ए प्लस एफ ए प्लस जी ए, ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस डेल जी ए, या किसी एक्स के लिए लेंगे हम उसको, ये तो ए के लिए था, ये हमारे पास कोई आर्बिट्री था, ये एक्स एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी हमने कुछ माना था, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास ये आर्बिट्री थी, तो इसको लिख सकते हैं डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स, ये जो कि हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो थर्ड केस था वो था अपने पास द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ लीनियर सम, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ लीनियर ऑफ द लीनियर सम ऑफ टू फंक्शन इज द लीनियर सम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, ये हमारे पास लीनियर सम का डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है, तो वो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का वो लीनियर सम आ गया, ये निकाल प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, थर्ड थर्ड प्रूव कर रहे हैं, तो लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसको मान लेते हैं सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, देन बाई डेफिनेशन डेफिनेशन डिवाइडेड डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स डेल बी एफ ए, हम यहाँ पे डेल भी लिख नहीं रहते क्योंकि उसे लिखने की इंपॉर्टेंस नहीं होती हमारे पास, ये हो गया डेल ये एफ ए हो गया डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया। अब फ्रेंड्स एफ बी एंड एफ ए की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो एफ ए की वैल्यू क्या, एफ बी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, अगर एक्स बी रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी वन एफ ए प्लस
सी टू जी ए माइनस, अब यहाँ पे ये तो एफ बी की, सॉरी एफ बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, अब एफ ए की वैल्यू रखेंगे हम तो ये आ जाएगी हमारे पास सी वन एफ ए माइनस, क्योंकि प्लस प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा सी टू जी ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से अगर हम सी वन कॉमन ले लें और सी वन कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस, यहाँ से सी टू कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये हो गया सी टू कॉमन ले लिया तो ये हो गया जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए प्लस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ बी, या किसी आर्बिट्री के लिए हम कह सकते हैं, आर्बिट्री के लिए इसको क्या कह सकते हैं, अगर एक्स की जगह इसको एक्स की जगह पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कि हमें प्रूव करना था वही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया था कि एफ ए के लिए हमने निकाल लिया था, अब ए की जगह एक्स रखेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा डेल सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स इक्वल टू सी वन एफ एक्स डॉट सी टू एफ बी सी टू जी एक्स, और यहाँ पे ये एफ ए की वैल्यू, यहाँ पे एफ ए कैपिटल एफ ए बराबर ये वैल्यू रख देंगे हम, तो ये जो हमारे पास प्रूव करना था ये आ जाएगा फ्रेंड्स।